दोस्तों भारत की जो ईवी इंडस्ट्री है, देखिए अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज में, मतलब कि काफ़ी शुरुआती सफर में है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये इंडस्ट्री हमको बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ से दोस्तों फॉर श्योर कोई ना कोई मल्टीबैगर हमको निकलता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर इंडस्ट्री की बात करें एज़ पर रिपोर्ट्स, एज़ पर सर्वे, तो ये इंडस्ट्री दोस्तों जो इंडिया की ईवी मार्केट है अराउंड 44% CAGR से ग्रो हो सकती है बाई 2027। तो आप आइडिया लगाइए दोस्तों, अगर इंडस्ट्री इटसेल्फ 44% CAGR से ग्रो हो सकती है, तो अगर इस स्पेस से कोई विनर निकल के आता है तो वो कितनी हाई ग्रोथ CAGR से यहाँ पर वेल्थ बना के दे सकता है। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है ईवी मार्केट का और जिसका फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आता है। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग आपको मैं A to Z जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूँ और इस कंपनी के रिगार्डिंग कई सारी मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम इंडस्ट्री की बात करें तो क्यों आपको इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ईवी पोर्टफोलियो बना रहे हैं दोस्तों, तो ये जो कंपनी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसको आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो ये जो टू व्हीलर दोस्तों स्पेस है, बाय 2025 आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूएशंस करीब करीब $2 बिलियन की यहाँ पर लगाई जा रही है। और पेनिट्रेशन की बात करें तो अराउंड 16% का पेनिट्रेशन हो सकता है बाय 2025, मतलब कि 2025 तक आपको हर 100 में से 16 गाड़ी आपको टू व्हीलर स्पेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही देखने को मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा टू व्हीलर स्पेस में वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी बहुत कम है। फोर व्हीलर की बात करें तो इसकी वैल्यूएशंस लगाई जा रही है इस स्पेस की अराउंड $1.5 बिलियन और इसका पेनिट्रेशन हो सकता है 5% बाय 2025, मतलब कि अभी दोस्तों अगर बात करें तो ओनली 1% का पेनिट्रेशन है और आई थिंक उससे भी कम है, मतलब हर 100 में से आपको एक गाड़ी ही बामुश्किल देखने को मिलती होगी ईवी की, लेकिन 2025 में हर 100 में से आपको 5 गाड़ी जो है ईवी की देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इंडस्ट्री कितनी तेजी से हमको ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कार्बन एमिशन को लेके, इस स्पेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर हम FDI नॉर्म्स की, क्या यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सपोर्ट की गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, सपोर्ट क्या है जिससे कि पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप हो, तो जी हाँ दोस्तों 100% FDI यहाँ पर अलाउड है इस सेक्टर में थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोस्तों हमको यहाँ पर भविष्य में भी बहुत ज़्यादा आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों कंपोनेंट मार्केट की बात करें तो देखिए ये कंपोनेंट मार्केट तो भैया और भी तेज़ी से ग्रो होगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर हमको वेल्थ बनती हुई देखने को मिल सकती है कंपोनेंट मार्केट स्पेस में। और इसी स्पेस से दोस्तों आज की कंपनी हमारी होने वाली है, एक कंपोनेंट मेकर है, वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, करीब करीब $12 बिलियन, मतलब आप देख सकते हो दोस्तों जहाँ पर 1.5 यहाँ पर फोर व्हीलर सेगमेंट की बात की जा रही है $1 बिलियन की, कंपोनेंट देखिए $12 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर स्पेस हमको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का क्या क्या सपोर्ट है, चार्जिंग स्टेशंस जहाँ पर कोई भी दोस्तों अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, एज पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो हमारे पास यहाँ पर कई एक्ट हैं उसके तहत यहाँ पर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर गजब का हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। डिमांड क्रिएशन की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे एलोकेशन हुए हैं अंडर कई सारी पॉलिसी, जैसे कि FAME II है, FAME III है, बहुत बड़े एलोकेशन यहाँ पर हुए हैं। PLI के तहत दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी फायदा देने वाली है, चार्जिंग ऐसे सर्विस, तो पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा धीरे धीरे, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंडस्ट्री को एक पोटेंशियल मल्टीबैगर इंडस्ट्री बनती हुई देखने को आपको मिल सकती है। तो ये कंपनी कौन सी है, तो कंपनी है दोस्तों वन एंड ओनली सोना कॉमस्टार। इनके विजन की बात करें इस कंपनी में, इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं इस कंपनी के रिगार्डिंग सारी जानकारी दूंगा। देखिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी क्या एक्सपेंशन कर रही है, केपेक्स कहाँ कर रही है, क्या फाइनेंशियल्स हैं, टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे क्या हो सकते हैं बाइंग लेवल। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विक्शन आएगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी देख लेंगे, रेवेन्यू देख लेंगे पिछले 5-6 सालों का, कुछ भी दोस्तों वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कंपनी आगे कैसे ग्रो होगी, वो आपको जानना ज़रूरी है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए कंपनी के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, स्टोरी सो फार। तो कंपनी दोस्तों रिसेंटली लिस्टेड है, इसका मतलब ये नहीं है नई कंपनी है, जी नहीं दोस्तों, FY 99 से आप देख सकते हैं कि ये कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है और गजब की कंपनी की हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है तब से लेकर अब तक। फेज़ वन की बात करें जो कि FY 99 से FY 11 तक हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर इनके 18 कस्टमर्स थे, 2 प्लांट थे, 1 प्रोडक्ट था। और इस फेज़ में इंडस्ट्री 14.6% से ग्रो कर रही थी, लेकिन दोस्तों इस कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 50% से इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की काबिलियत कितनी तगड़ी है। यहाँ पर मार्जिन आप देख सकते हैं 21% से। तो कंपनी एक ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, जहाँ पर ग्लोबल OEMs हैं, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल OEMs हैं, उनके साथ दोस्तों इनकी गजब की रिलेशनशिप हमको देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं दोस्तों आज तक, मतलब आज तक इनका रिकॉर्ड है, कोई भी जो भी इनका
कस्टमर है वो आज तक दोस्तों यहाँ पर इनके कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के नहीं गया है। 15-15, 20-20 सालों से इनके ऑलरेडी वो कस्टमर्स हैं। तो इसलिए दोस्तों एक और है जिस कंपनी को मिलता है कि आगे आने वाले भविष्य में भी इनकी ऑर्डर जो है डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। अब आप देखिए इंडस्ट्री 14% से ग्रो कर रही है, कंपनी 50% से ग्रो कर रही है। अगर आने वाले भविष्य में 44% CAGR से इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है तो आप खुद यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये कंपनी अगर अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करती है, एग्जीक्यूट करती है, तो कितनी CAGR से ग्रो हो सकती है वो खुद आप आइडिया कैलकुलेट कर लीजिए। फेज टू की बात करें तो इनके कस्टमर्स हमको बढ़ते हुए देखने को मिले, प्लांट सेम थे लेकिन प्रोडक्ट इनके डबल हो गए। और इस फेज में अभी आप देखिए इंडस्ट्री ओनली 1% से ग्रो कर रही थी लेकिन ये जो कंपनी है 10% से CAGR से इनकी रेवेन्यू ग्रो हो रही थी, मार्जिन्स भी कंपनी के लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले। अब आता है इंपॉर्टेंट फेज, वो है फेज थ्री। अब इस फेज में दोस्तों क्या हुआ, अभी तक तो सोना BLW यहाँ पर इंडिविजुअल कंपनी काम कर रही थी जिसको संजय कपूर जो है लीड करते हैं, लेकिन फेज थ्री में यहाँ पर FY19 के आसपास कॉमस्टार का एक्विजिशन किया ब्लैकस्टोन ने। यहाँ पर जो है चेन्नई बेस्ड एक कंपोनेंट मेकर है दोस्तों कॉमस्टार, उसका यहाँ पर एक्विजिशन किया, 1000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था, पूरा एक्वायर कर लिया उस कंपनी को और सोना BLW के साथ कॉमस्टार का यहाँ पर मर्जर कर दिया और ये कंपनी का दोस्तों नाम निकल के आया सोना कॉमस्टार। तो ये मर्जर से इनका काफ़ी फायदा हुआ, यहाँ पर इनके जो मार्जिन है आप देखिए दोस्तों कंपनी के मार्जिन यहाँ पर अच्छी तरीके से हमको 28% बढ़ते हुए देखने को मिले। रेवेन्यू जो करीब FY16 तक 10% का था वो बढ़ के 32.8% का हुआ और इस दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको पता है दोस्तों प्रेशर में चल रही थी लेकिन इस कंपनी के रेवेन्यू आप देखिए अनबिलीवेबल 32%। इंडस्ट्री CAGR नेगेटिव में चल रहा था क्योंकि इंडस्ट्री आपको पता है परफॉर्म नहीं कर रही थी लेकिन ये कंपनी पॉजिटिव 32% से अपनी रेवेन्यू ग्रो कर रही थी और इस मर्जर के बाद कंपनी को दोस्तों एक पंख लग गए। और संजय कपूर ने इस मर्जर के बाद बोला है आने वाले 4 से 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू ये $1 बिलियन जो है एस्पिरेशन है, 1 बिलियन टच करने वाले हैं बाय FY25 और 26 आई थिंक 4 से 5 सालों में, संजय कपूर जो इनके चेयरमैन हैं। तो इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ब्लैकस्टोन की जो एक सब्सिडी है दोस्तों प्राइवेट इक्विटी फर्म है उसके पास 67% या 66% के स्टेक है, बाकी संजय कपूर के पास 34% के स्टेक हैं। अब फेज फोर की बात करें तो रिसेंटली कंपनी लिस्ट हुई स्टॉक मार्केट में और तब से लेकर अभी तक आप पता है कंपनी क्या गजब की हमको एक रनअप दिखा रही है। तो ये हो गई कंपनी की स्टोरी, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स, कंपनी का एक्विजिशन कैसे हुआ तो ये भी जानना दोस्तों हमको जरूरी है। अब कंपनी की अगर मैं आपको ग्लांस थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँ तो देखिए रेवेन्यू कंपनी की बात करें तो 20% दोस्तों इनका रेवेन्यू बढ़ चुका है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मतलब इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस से जो रेवेन्यू आ रहा है 20% का आ रहा है जो कि FY19 तक ओनली दोस्तों 1.5% का था। तो 15 times दोस्तों इनका रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ा है तो मतलब डिमांड काफ़ी अच्छी है इंडस्ट्री में और ये रेवेन्यू इनका बढ़ता ही रहेगा ऐसा मुझे लगता है। और 1 of every 8 मतलब हर 8 में से एक डिफरेंशियल असेंबली ये दोस्तों सप्लाई कर रहे हैं ग्लोबली। आप देख सकते हैं कितना कंपनी का जो है एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्रेजेंस है। 36% CAGR से BEV मार्केट यहाँ पर ग्रो को होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है बाय ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं, इंडिया में तो दोस्तों 44% है मैंने आपको बता दिया लेकिन ग्लोबल मार्केट में 36% CAGR से ग्रो हो सकता है और ग्लोबल मार्केट में भी इस कंपनी की अच्छी प्रेजेंस है। अब मैं यहाँ पर बताऊँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ वो है दोस्तों इनकी ऑर्डर बुक जो कि है 140 बिलियन रुपीज़ की, जो कि है दोस्तों FY21 का जो रेवेन्यू है उससे 9 गुना बड़ी तो इनकी ऑर्डर बुक है और इसीलिए आपको इसके वैल्यूएशन दोस्तों इतने प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कंपनी एक वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर है, अच्छा खासा इसका ग्लोबल मार्केट शेयर और हेल्दी ऑर्डर बुक है, स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। तो आगे आने वाले सालों की रेवेन्यू विजिबिलिटी तो यहाँ से क्लियरली दोस्तों नजर आती है तो इसीलिए दोस्तों इसको इतने प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहे हैं। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्यों भाई ये इतनी कंपनी भाग रही है, उसके पीछे ये रीज़न है। अगर आपको पता चल गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन। $80 बिलियन अभी 140 बिलियन डॉलर में से भी दोस्तों अगर बात करें 140 बिलियन रुपीज़ में से भी तो EV स्पेस से इनके पास जो ऑर्डर है वो 80 बिलियन का है, नॉन EV स्पेस से 60 बिलियन का है जिसमें पैसेंजर व्हीकल, 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल और ऑफ हाईवे व्हीकल्स में भी इनके जो है कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास हमको देखने को मिलते हैं। मार्केट शेयर की बात करें तो ग्लोबल मार्केट शेयर आप देख सकते हैं इनका 6% का है डिफरेंशियल गियर्स में, 4.6% है स्टार्टर मोटर्स में और ROC आप देखें 35% का, मतलब गजब की है दोस्तों कंपनी लगातार अपने कैश फ्लोज को अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर रही है। अगर मान लीजिए 100 कंपनी ये कमा रही है 100 रुपये तो 100 रुपये को अपने बिजनेस में लगा के उससे भी दोस्तों 35 रुपये जनरेट कर रही है, मतलब उससे भी 35% का रिटर्न कमा रही है और कंपनी मुझे लगता है आगे भी इसी प्रकार से कैश फ्लोज को अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करेगी और इनके कैश फ्लोज लगातार कंपाउंड होते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ से नजर आती है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा वो है
कैसे इनका मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में दोस्तों यहाँ पर एक हमको पैटर्न पता चलता है कि फ्यूचर में भी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ सकता है। डिफरेंशियल ईयर्स की बात करें तो कैलेंडर ईयर 19 में 4.5% का मार्केट शेयर था, फिर 5% का हुआ 20 में, फिर 21 में फर्स्ट हाफ में आप देख सकते हैं 6% का हुआ। तो आगे आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं या फिर 24-25 तक मार्केट ग्रो करेगी तो आपको इनका मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा डिफरेंशियल गियर्स में। स्टार्टर मोटर्स की बात करें, अभी दोस्तों दो प्रोडक्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दो प्रोडक्ट में मार्केट लीडर है, हालांकि इनके कई सारे दोस्तों ऐसे ऑटो कॉम्पोनेंट्स ये बनाते हैं, कई ऐसे कॉम्प्लेक्स हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग कॉम्पोनेंट ये बनाते हैं जो कि ग्लोबली ये सप्लाई करते हैं, उसमें भी अच्छी खासी उनकी प्रेजेंस है। स्टार्टर मोटर्स में आप देखिए 2.5% का मार्केट शेयर, 20 में 3% का, फिर 21 में 4.6% का, तो यहाँ पर भी लगातार मार्केट शेयर बढ़ रहा है यहाँ पर भी, और आगे भी हो सकता है दोस्तों मार्केट शेयर बढ़े। लेकिन इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया में दोस्तों ये डोमिनेंट मार्केट प्लेयर है डिफरेंशियल गियर्स में। डिफरेंशियल गियर्स में पैसेंजर व्हीकल में आप देखिए 60% का मार्केट शेयर, कमर्शियल व्हीकल्स में 90% का मार्केट शेयर, और ट्रैक्टर्स में 85% का मार्केट शेयर ये कंपनी लेके बैठी है। तो आगे आने वाले पीवी, ईवी, सीवी और ओएचवी स्पेस में भी आपको यहाँ पर डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी सोना कॉम्पस्टार के पास, बीइंग एस्टेब्लिश्ड प्लेयर और बीइंग हाई, जो ये हाई इंजीनियर्ड जो ये कंपोनेंट बनाते हैं, जो इनके पास आरएनडी है दोस्तों, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मुझे लगता है कि इनके पास इन सारे ओईएम से भी डिमांड हमको अच्छी आती हुई फ्यूचर में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की, वो है मैग्नेटलेस मोटर ये कंपनी डेवलप कर रही है इन कोलैबोरेशन विद आईआरपी ऑफ इसराइल। तो इसराइल की एक कंपनी है आईआरपी, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, जो कि कंपनी ये पावर ट्रेन बनाती है, ग्लोबल सप्लाई जो है, ग्लोबल इनका अच्छा खासा नाम है, उनके साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है। मैग्नेटलेस मोटर्स ये कंपनी बनाने वाली है और एक्सक्लूसिव राइट्स है सोना कॉम्पस्टार के पास, मतलब कि ये जो दोस्तों यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, एक्सक्लूसिव राइट है इनके पास। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, जहाँ पर ये पावर ट्रेन सिस्टम बनाने वाले हैं टू व्हीलर और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस के लिए फॉर द ग्लोबल मार्केट्स। तो ये दोस्तों अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज़ है, जहाँ पर एक हमको ये अगर मैग्नेटलेस मोटर्स बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो एक मेजर मटेरियल कॉस्ट होता है किसी भी ईवी में, तो वो कम होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। बेसिकली अभी जो है मैग्नेट विद मैग्नेट यहाँ पर एक आप बात कर सकते हैं कि एक जो है चीज़ें बनती है जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट में लगती है, जैसे कि जितने भी ईवी हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं पावर ट्रेन की, तो पावर ट्रेन में मैग्नेट वाले होते हैं, विदाउट मैग्नेट जो है मैग्नेटलेस नहीं होते, और मैग्नेट वाले होते हैं तो उसमें कुछ यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट होती है जो कि अराउंड 25% होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो अगर ये दोस्तों यहाँ पर बना लेते हैं, जो इनके पास एक्सक्लूसिव राइट है, ये पावर ट्रेन सिस्टम बनाते हैं विद जो है मैग्नेटलेस डेवलपमेंट अगर ये करते हैं, तो यहाँ पर 25% तक कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, तो इनके पास और भी ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक इनके लिए और एक पॉजिटिव निकल के सामने आ रहा है, जहाँ पर इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, वो है ग्लोबल प्रेजेंस कैसी है। देखिए दोस्तों टॉप पैसेंजर व्हीकल ओईएम्स में वर्ल्ड में बात करें तो 6 को ये दोस्तों यहाँ पर केटर करते हैं, टॉप 10 कमर्शियल व्हीकल ओईएम्स में टॉप 3 को यहाँ पर ये केटर करते हैं, ट्रैक्टर ओईएम्स में बात करें तो वर्ल्ड के जो टॉप 8 हैं उसमें से 7 को ये केटर करते हैं, यूएसए, मेक्सिको, बेल्जियम, स्वीडन, जर्मनी, इंडिया, चाइना, हर जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं। 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 3 आरएनडी इनके पास फैसिलिटीज़ कैपेसिटीज़ हैं, वेयर हाउसेज हैं, सेल्स ऑफिस हैं। तो ये दोस्तों कंपनी के आपको मैंने बता दिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के क्या यहाँ पर जो हैं प्रॉस्पेक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, वो है इनके कस्टमर्स कौन कौन हैं। तो कस्टमर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ही कस्टमर्स देखने को मिलेंगे जो इनकी वेबसाइट पे हैं, एम्पियर व्हीकल्स बड़ा नाम है, अशोक लेलैंड, डायमलर, जीली, रिवॉल्ट, इंटेलीकॉप, मारुति सुजुकी, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, जगुआर, लैंड रोवर, और भी बहुत बड़े इनके जो है बिजनेस पार्टनर्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जो इनके रिलेशनशिप है पिछले 15-20 सालों से बने हुए हैं और आज तक इनको कोई भी कस्टमर छोड़ के नहीं गया, तो इस प्रकार की दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। तो आगे भी आपको नए कस्टमर्स जो है आते हुए देखने को मिलेंगे, और बाकी जो ये पुराने कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, इनसे तो डेफिनेटली डिमांड आती हुई देखने को मिलने ही वाली है। अब यहां पर दोस्तों जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसके कुछ की टेकअवेज हमको यहां पर जानना जरूरी है, जो मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर बुक की हमने ऑलरेडी बात कर ली, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्दी ऑर्डर बुक है। और यहां पर देखिए बता रहे हैं कि कंपनी जो है
मोस्ट ऑफ द न्यू ऑर्डर बुक्स वन फ्रॉम यूरोप, तो यूरोप से इनकी ज्यादातर ऑर्डर बुक है एंड इट विल बिकम साइजेबल इन FY 23-24। द कंपनी हैज टू यूरोपियन प्रोग्राम्स, तो दो यूरोपियन प्रोग्राम्स भी हैं इनके पास। मार्केट शेयर कंपनी का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया काफी अच्छा खासा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी यहाँ पर जो है केपेक्स कैसे कर रही है, तो मैग्नेटलेस मोटर्स के बारे में भी हमने बात कर ली। केपेक्स की बात करें तो FY 22 में कंपनी ने करीब $36.5 बिलियन का केपेक्स किया है अगले दो साल में, सॉरी रुपीज टर्म्स में है ये, 3.5 बिलियन रुपीज का केपेक्स ये करने वाले हैं। तो देखिए FY 23 और 24 में भी दोस्तों कंपनी $3.5 बिलियन का केपेक्स करने वाली है। इसका मतलब कि डिमांड काफी ज्यादा है और कंपनी यहाँ पर उसको केटर करती हुई नजर आएगी। तो अगेन ये कंपनी दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ज्यादा करेक्ट होगी तो शायद दोस्तों बुल मार्केट में तो ये करेक्ट ना हो, अगर बेयर मार्केट आता है तो वहां पर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई देखने को मिलेगी इस कंपनी में बल्क निवेश करने की। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर निवेश करना है, टेक्निकल चार्ट पे तो बने रही है। इलेक्ट्रिक मोटर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी OEMs विल बी आउटसोर्सिंग द इलेक्ट्रिक टू व्हीकल मोटर्स एंड डू नॉट मैन्युफैक्चर देम इन हाउस। OEMs कैन मैन्युफैक्चर कंट्रोलर बिजनेस इन हाउस। तो यहाँ पर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक मोटर में भी सोना कॉमस्टार के पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आएगी क्योंकि कई सारे OEMs जो हैं दोस्तों यहाँ पर हमको आउटसोर्स ही करते हुए देखने को मिलेंगे मोटर्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है दोस्तों जो आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर चलते हैं हम दोस्तों कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे। तो मार्केट कैप आप देखिए 44,000 करोड़ का है, तो ये मार्केट कैप यहाँ से आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री काफी प्रॉमिसिंग है, ग्रोइंग है, सेक्टर काफी ग्रोइंग है, तो मार्केट कैप तो यहाँ से आपको डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ROC ROE आप देखेंगे तो ये पिछले 3 साल का ROE है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का ROE देखें तो आपको यहाँ पर ROC ROE करीब 30% के आसपास देखने को मिलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, डेट ऑलमोस्ट थोड़ा नेग्लिजिबल डेट है कंपनी ने यहाँ पर केपेक्स किया है FY 22 में, इसकी वजह से थोड़ा सा डेट देखने को मिलता है। फ्री कैश फ्लोज कंपनी पॉजिटिव जनरेट कर रही है जो कि अपने आप में पॉजिटिव है। स्टॉक का पी है 220। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, अगले आने वाले 2 से 3 सालों की जो इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी है क्लियरली नजर आती है, तो ये जो प्राइस है दोस्तों इसमें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है सब कुछ, तो ये आप इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, 365 करोड़ से बढ़ के 767 करोड़ हो चुके हैं और संजय कपूर जी ने बोला है आने वाले 4 से 5 सालों में $1 बिलियन का, जी हाँ दोस्तों $1 बिलियन का रेवेन्यू हो सकता है ये टच कर जाएं। और यहाँ पर मैनेजमेंट ने बोला है हो सकता है इस मर्जर के बाद, इस जो ये सोना और सोना BLW और कॉमस्टार का जो मर्जर है उसके बाद ये आपको डिमांड डेफिनेटली बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और इस डिमांड के चलते इनका जो रेवेन्यू भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी ने बोरिंग थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी जैसा मैंने आपको बताया FY 22 में 20 में इन्होंने यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हमको केपेक्स करता हुआ देखने को मिला जिसकी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा बोरिंग देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताऊं कहाँ किया इन्वेस्ट, तो आप देख सकते हैं इन्वेस्ट इन्होंने फिक्स एसेट परचेज किए हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में आपको यहाँ पर 52 करोड़ का एंड यहाँ पर 111 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये आपको जो है वैल्यू देखने को मिल रही है। इसी की वजह से आपको थोड़ी बहुत बोरिंग देखने को मिल रही है लेकिन वो भी नेग्लिजिबल है क्योंकि कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लोज जनरेट कर रही है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 67.30 है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ब्लैकस्टोन जो दोस्तों ग्रुप है उसके पास अराउंड जो सिंगापुर की है उसके पास 34% के आसपास हैं, सोना ऑटोकॉम्प होल्डिंग के आसपास 33% के स्टेक हैं, FIS के पास 13% के स्टेक हैं, DIS के पास, मतलब देखिए पब्लिक के पास, ये दोस्तों प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इसमें अगर आप देखें तो आपको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कौन है ये, सोना BLW प्रिसीजन यानी कि संजय कपूर जी के दोस्तों यहाँ पर जो अध्यक्षता में यहाँ पर इनके पास स्टेक है जो आपको जानना ज़रूरी है। बाकी ये जो है ब्लैकस्टोन का दोस्तों एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है US का, उसके पास भी आपको यहाँ पर अराउंड देखने को मिलेंगे 34% के स्टेक, ठीक है। तो प्रमोटर्स के पास, FIS के पास, DI के पास मिला के ऑलमोस्ट यहाँ पर 96% के स्टेक हैं, बाकी पब्लिक के पास बहुत ही कम स्टेक हैं जो कि दोस्तों एक अच्छी चीज़ है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आपको ज़्यादा माल देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, तो क्या हो सकते हैं बाइंग लेवल। देखिए दोस्तों कंपनी का रनअप जो है स्टॉक प्राइस का रनअप बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अगर आपको बाय करना है तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए या फिर थोड़ा सा डिप आने दीजिए, अराउंड अगर 665 के आसपास आता है तो आप इसमें अच्छी खासी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बल्क निवेश मत कीजिए, 1-2 स्टॉक 3-4 स्टॉक यहाँ पर उठा के रख लीजिए ट्रैकिंग पर्पस के लिए। थोड़ा बहुत डिप आता है, अगर मान लीजिए 5-10% का भी डिप आता है इसमें, तो आप यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। 5-10% तो अगर देखिए दोस्तों हो सकता है ना आए,
क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ प्रेशर देखने को मिलता है तो हो सकता है वो करेक्ट हो जाए। तो करेक्ट होता है तो ये अपॉर्चुनिटी होगी कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ को देख के मुझे लगता है कि ये कंपनी का स्टॉक प्राइस अब ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। जितना भी नीचे आए दोस्तों, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी इस कंपनी में निवेश करने की। तो यहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं, एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी भी ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। आई होप यहाँ पर आप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कॉन्टेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।